सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था वन कंपोनेंट वाटर सिस्टम फेज डायग्राम के बारे में, उस वीडियो में हमने उसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया था। आज हम उस फेज डायग्राम को डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन कॉम्पोनेंट वाटर सिस्टम के फेज डायग्राम को। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फेज डायग्राम का मतलब क्या होता है, फेज डायग्राम वो होता है जो कि एक सिस्टम के डिफरेंट फेजेस में एट डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर में वेरिएशन या फिर रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। और उस फेज डायग्राम के फीचर्स क्या होते हैं, फेज डायग्राम में कुछ कर्व्स होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं और ट्रिपल पॉइंट होता है। तो आइए वन कॉम्पोनेंट वाटर सिस्टम फेज डायग्राम को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये है हमारा फेज डायग्राम ऑफ वन कॉम्पोनेंट वाटर सिस्टम। वाई एक्सिस पे है प्रेशर जो कि दे रखा है एटीएम में, एटमोस्फेरिक में, एंड एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर जो कि दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, ओके। तो आइए देख लेते हैं यहां पे कर्व्स और एरियाज का मीनिंग क्या है। तो इस पूरे फेज डायग्राम में आपको कितने कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे आप इस फेज डायग्राम को तो इस पूरे फेज डायग्राम में हमारे पास तीन कर्व्स हैं। कौन कौन से देखिए, थ्री कर्व्स वी आर हैविंग इन दिस फेज डायग्राम। कर्व ओ ए, देखो आप ध्यान से देखोगे हमारे पास एक ये कर्व है ओ ए, सेकेंड कर्व इज ओ बी, दिस वन ओ बी, एंड द थर्ड कर्व इज ओ सी, दिस वन। तो कुल मिला के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कर्व्स इन वन कंपोनेंट वाटर सिस्टम फेज डायग्राम में कितने हुए, थ्री। विच वन, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। आपने सर ये भी बताया था कि फेज डायग्राम में कुछ एरियाज भी होते हैं, बिल्कुल। तो आइए देख लेते हैं फेज डायग्राम में कौन कौन से एरियाज हैं। तो पहला एरिया आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा एरिया बी ओ सी, जो कि किसका एरिया है, वो पूरा एरिया किसका है, सॉलिड का। फर्स्ट एरिया इज एरिया बी ओ सी एंड दैट एरिया इज एनक्लोज्ड बाय, कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय सॉलिड। सेकेंड एरिया ध्यान से देखोगे सी ओ ए, दिस एंटायर एरिया इज एनक्लोज्ड बाय विच फेज ऑफ द वॉटर, एरिया COA, दिस एरिया इज एनक्लोज बाय लिक्विड, ठीक है। एंड द थर्ड एरिया इज AOB एंड दिस एरिया इज कंप्लीटली एनक्लोज बाय विच फेज ऑफ द सिस्टम, इट इज द वेपर फेज, एरिया AOB एंड दिस एरिया इज एनक्लोज बाय वेपर फेज, ठीक है। और इस पूरे फेज डायग्राम में एक ट्रिपल पॉइंट भी है, वो आपको कहां दिखाई दे रहा है, ट्रिपल पॉइंट ओ, यानी कि एक ट्रिपल पॉइंट भी है जो कि किससे डिनोट हो रहा है, इट इज बीइंग डिनोटेड बाय ओ। ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या बताया था मैंने, ट्रिपल पॉइंट का मतलब वो बताया था जहां पे तीनों फेजेस सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर साथ में को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं। अब अगर आपके पास टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और एटमोस्फेयर प्रेशर है 1 atm, तो बताइए आपको कौन सा फेज मिलेगा। ध्यान से देखो इस 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 atmospheric प्रेशर पे आपका पॉइंट कहां पर आएगा, दिस वन, यानी कि कर्व ओसी पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या फिर नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा क्यों बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। देखिए मान लिए, सपोज करिए कि आपके पास एक पिस्टन है, दिस वन इज योर पिस्टन, ठीक है,
और यहाँ पे आपने थर्मामीटर लगा रखा है। ठीक है, अब थर्मामीटर की रीडिंग है 0 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है 180 एम। ठीक है, तो जो आपको फेजेस मिलेंगे वो एक तो सॉलिड मिलेगा और सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये दोनों फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड कब बनेगा, लिक्विड कंप्लीटली सॉलिड कब होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने प्रेशर यहां पे फिक्स रखा है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस पॉइंट से मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, अब बताओ मुझे कौन सा फेज मिलेगा। इस पॉइंट पे जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, क्या मुझे पूरा कंप्लीटली लिक्विड फेज मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया, बताओ मुझे कौन सा फेज मिलेगा? मुझे मिलेगा कंप्लीटली सॉलिड। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे सॉलिड और लिक्विड साथ में कोएग्जिस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, और इस पॉइंट को बोलते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। यहां तक समझ में आया? ठीक है, मान लो मैंने प्रेशर फिक्स रखा हुआ है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मैं टेम्परेचर बढ़ाए जा रहा हूं और यहां तक कि मैं ले गया हूं 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब बताओ मेरे पास प्रेशर है 180 एम, टेम्परेचर है मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस, बताओ मुझे क्या मिलेगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन से दो फेजेस साथ में कोएग्जिस्ट करेंगे? देखो, एक इस तरफ क्या है, लिक्विड, और इधर क्या है, वेपर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड और वेपर साथ में कोएग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर 180 एम है, अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, बताओ मुझे कौन सा फेज मिलेगा? जैसे ही मैंने 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इंक्रीज करने लग जाऊंगा, मुझे कंप्लीट जो फेज मिलेगा दैट विल बी अ वेपर फेज। वहीं अगर इस पॉइंट से मैंने टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो मुझे कौन सा फेज मिलेगा? आई विल गेट दिस फेज, दैट इज द लिक्विड फेज। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताओ समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आया। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, कर्व ओसी और ओए पे हमेशा दो फेजेस साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो, कर्व ओसी पे कौन से दो फेजेस साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे थे? हर एक पॉइंट पे देख लो, चाहे तो ये वाला पॉइंट ले लो, बताओ क्या यहां पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे? बिल्कुल होंगे। इस पॉइंट पे देख लो, क्या सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे? बिल्कुल होंगे। कंप्लीटली लिक्विड और कंप्लीटली सॉलिड किस पे डिटरमाइन करेगा? टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड हो गया, टेम्परेचर कम किया तो सॉलिड हो गया। सिमिलरली कर्व ओए पे देखें, ठीक है, क्या कर्व ओए पे लिक्विड ऑफ वेपर फेजेस साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इस पॉइंट में देख लो, लिक्विड और वेपर साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट में देख लो, लिक्विड और वेपर साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या सिमिलरली चीज मैं कर्व ओबी के लिए बोल सकता हूं, जहां पे सॉलिड और वेपर साथ में कोएग्जिस्ट करेंगे? बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां से मैंने क्या कॉन्क्लूजन निकाला कि कर्व चाहे कोई सा भी हो, हर एक कर्व पे दो फेजेस कोएग्जिस्ट करेंगे हमेशा, नो मैटर व्हाट। यानी कि इन तीनों कर्व्स के लिए मैं बोल सकता हूं कि हर एक कर्व के लिए नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे? 2। और कंपोनेंट तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, दैट इज 1। यानी अगर मुझे कर्व्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो,
तो मैं कितने निकाल सकता हूं, f इक्वल टू c माइनस 5 प्लस 2, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने 1, नंबर ऑफ फेसेस कितने 2 और प्लस 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलेगा 1। ठीक है, हर एक कर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलेगा 1, जो कि मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब बात आती है देखो एरिया की, कोई सा भी एरिया ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एरिया बी ओ सी। अब एरिया बी ओ सी देखो कंप्लीटली किस फेस से एनक्लोज्ड है, सॉलिड, यानी कि एरिया बी ओ सी के लिए नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं 1, दैट इज द सॉलिड 1। बताओ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं 1। अगर मुझे यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होगा तो मेरे पास क्या आएगा, c माइनस 5 प्लस 2, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1, नंबर ऑफ फेजेस 1, दैट विल इवेंचुअली कम डाउन टू डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। सिमिलरली यू कैन सॉल्व फॉर एरिया COA एंड फॉर एरिया AOB। जब इन दोनों एरियाज के लिए सॉल्व करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 2 आएगा। तो जब कर्व्स की बात होती थी तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता था, जब एरियाज की बात होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 2। अब बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट पे मैंने आपको बताया है हमेशा तीनों फेजेस साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे ट्रिपल पॉइंट कौन सा है, तो देखो ये वाला किससे एनक्लोज हो रहा है, सॉलिड से, ये वाला पार्ट लिक्विड से, एंड दिस वन इज वेपर। तो तीनों फेजेस साथ में कोएग्जिस्ट हो रहे नहीं हो रहे, यानी कि नंबर ऑफ फेजेस कितने आएंगे मेरे पास यहां पे 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां इस केस में कैसे निकाल सकता हूं, f इक्वल टू c माइनस 5 प्लस 2, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1, नंबर ऑफ फेजेस 3 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा मेरे पास 0। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब क्या है, कि हमें कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट वाटर सिस्टम में कहां एग्जिस्ट करेगा ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या होगा उसका 0.0060 एटीएम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 जो कि हमारे एरियाज के केस में आया था उसका मतलब क्या था, ठीक है, कि एरियाज के केसेस में मुझे प्रेशर और टेम्परेचर स्पेसिफाई करने की नीड होगी। इस पॉइंट पे सॉलिड तो है पर सॉलिड का प्रेशर टेम्परेचर अलग है, इस पॉइंट के सॉलिड का प्रेशर टेम्परेचर अलग है, इस पॉइंट के सॉलिड का प्रेशर टेम्परेचर अलग है। तो यानी कि अगर इस केस में ये P1 T1 पे सॉलिड है तो ये P2 T2 पे होगा और ये P3 T3 पे होगा। तीनों डॉट्स सॉलिड है बट क्या तीनों के प्रेशर टेम्परेचर सेम है, बिल्कुल नहीं, तीनों के अलग है। यानी कि हर केस में, एरिया के केस में, हर एक फेस को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्पेसिफाई करने की नीड है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 2। वहीं आइए कर्व्स की बात कर लेते हैं। कर्व मान लीजिए कोई सा भी कर्व ले लीजिए, मैंने ले लिया कर्व OA। आप कर्व OA पे मुझे कोई सा भी प्रेशर बता दो, टेम्परेचर में ऑटोमेटिकली निकाल लूंगा, या आप मुझे टेम्परेचर बता दो मैं प्रेशर अपने आप निकाल लूंगा। मान लीजिए OA पे आपने मुझे टेम्परेचर दे दिया 90 डिग्री सेल्सियस, बताओ 90 डिग्री सेल्सियस यहां पे कहीं आएगा, मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा। ठीक है, क्या इस 90 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट में प्रेशर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, बस मुझे क्या है यहां से एक लाइन खींचने की जरूरत है, तो मुझे इसके इक्विवेलेंट प्रेशर भी मिल जाएगा। यानी कि कर्व्स के केसेस में आप मुझे कोई सी भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता दो, मैं दूसरा वेरिएबल अपने आप निकाल लूंगा, इसलिए कर्व्स के केसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है हमेशा 1। सो ये था पूरे वन कॉम्पोनेंट वाटर सिस्टम फेज डायग्राम के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सल्फर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर्स। इफ यू लाइक दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।